अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एम आई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं ये टोपी इसको बनाना सिखाऊंगी, जो ये बनाने में बहुत आसान है। और मैं यहाँ से और सिर्फ यहाँ तक पार्ट वन सिखाऊंगी, और दूसरे वीडियो में मैं यहाँ से और यहाँ तक पार्ट टू सिखाऊंगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। किस तरह से ये बनाए हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, इसके लिए ये हम 2 प्लाई का ऊन यूज करेंगे, और ये जो क्रोशिया है ये 10 नंबर का क्रोशिया है, ये देखिए। और यहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इस तरह से एक नॉट लगाएंगे क्रोशिया में, धागे में। उसके बाद देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहाँ पे 8 चैन लेने के बाद ये जो पहला वाला चैन है, इसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 1, 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद इस तरह से डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन ये फंदा हमें गिराना नहीं है। फिर एक और लेंगे और फिर इस तरह से डबल क्रोशिया गिराने के बाद उसके बाद इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए। फिर 1, 2 ऐसे, फिर 1 चैन मारेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया के लिए, उसके बाद फिर इस तरह से करके हमें 8 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा ऐसे। तो देखिए, ये 3 हो गया है और हम 5 बार बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने 8 बार इस तरह से बना लिया है। अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 चैन लेना है, सिर्फ 1 चैन, और ये जो हॉल है इसी हॉल के अंदर हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। ये देखिए, 1, 2 और ये 3, फिर 1 चैन लेंगे, फिर इसी में पास वाले जो हॉल है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके पूरे राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से पूरे राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ये रो कंप्लीट हमने कर लिया है इस तरह से। अब हम फिर यहाँ पे 1 चैन लेंगे, और देखिए ये जो पास वाला जो हॉल है इसी हॉल के अंदर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना होगा, उसके बाद फिर इस डबल क्रोशिये के ऊपर एक और डबल क्रोशिया। तो नीचे जो 3 है तो आपको ऊपर में 5 बनाना होगा डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए, 4 और ये 5, फिर 1 चैन लेंगे और इसी के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से करके ये रो कंप्लीट होगा। ये देखिए, 5 डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और जिस तरह से यहाँ पे हमने 2 के बाद ये देखिए 3 बनाया है जो चैन फंदा,
उसके बाद 5, उसके बाद 7 आएगा। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, बढ़ाते हुए सिर्फ 6 लाइन जाएगा। देखिए 1 2 3 और 3 लाइन और हम बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 चैन ले लेते हैं। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इस पास वाली चैन में डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 हो गया, ये 3 4 5 और ये 6, उसके बाद ये 7। ये देखिए आपका ये 7 हो गया है। फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर उसी तरह से 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे हमने बनाया है। तो पूरी रो कंप्लीट करके फिर यहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन पूरे जितना हमको बढ़ाना है हम पूरा बढ़ा के आपको दिखाएं। देखिए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और बढ़ाने का तरीका यही है। इस तरह से 3 चैन लेके एक इधर और एक इधर ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये कितना लाइन इस टोपी में बढ़ाया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 लाइन। ये देखिए 6 लाइन के बाद ये आपका घटेगा। तो हम 6 लाइन पूरा बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं। सिर्फ वही 3 3 चैन लेंगे और एक इधर बढ़ेगा। तो इस तरह से इसे बढ़ा के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे हम घटाएंगे इसे। ये देखिए तो 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे जो हम फंदा लेते थे वो हमें नहीं बनाना है, अब हम यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए तो नीचे में ये आपका 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो ऊपर में देखिए आपका घटेगा। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये देखिए यहाँ पे 12 हो गया। फिर यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे। अभी 2 चैन लेने के बाद इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 2 और फिर ये 3 इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद फिर यहाँ से उसी तरह से 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फिर 12 फिर 2 चैन लेंगे और इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे। पूरी रो कंप्लीट करके आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे घटा दिया है, अब ये घटेगा और यहाँ पे जो है ये आपका बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दो चैन लेके इस तरह से तीन डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे ऐसे, फिर दो चैन लेंगे और फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर दो चैन लेंगे और इसमें इस तरह से घटाएंगे। तो देखिए ये जो है ये पूरा घट जाएगा और घटाने के बाद ये जो है यहाँ पे जो तीन डबल क्रोशिया बना रहे हैं ये बढ़ेगा। देखिए नीचे में एक हुआ है, उसके ऊपर ये दो, अब इसके ऊपर जो आएगा तो तीन बनेगा, एक यहाँ एक दो और यहाँ पे तीन, उसके बाद चार बनेगा पांच बनेगा। इस तरह से ये जब तक घटेगा तब तक ये बढ़ता जाएगा। तो हम पूरे इसे घटा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस यहाँ तक ये हमने पूरा घटा लिया है, ये वाला एक दो तीन चार पांच लाइन हो चुका है। अब हम सिर्फ एक लाइन ले जाएंगे, उसके बाद जो अगला पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो देखिए मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से जितना आपको चैन दिख रहा है ये सारे चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। इस तरह से ये सिर्फ एक लाइन ही जाएगा, इस तरह से ऐसे, और ये जो हॉल है इसमें भी एक डबल क्रोशिया आएगा ऐसे, और फिर ये पास वाला यहाँ पे जो तीन डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी तीन डबल क्रोशिया बनेगा एक एक चैन के ऊपर। ये देखिए इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके आगे आपको दिखाते हैं ऐसे। इस तरह से तो ये लाइन पूरी लाइन बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये लाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।